ठीक ठाक ही हुआ, मतलब मुश्किल था एग्जाम। मुश्किल लगा इस बार? हाँ इस बार मुश्किल था, पढ़ के तो आए थे। हाँ कह सकते हैं, ऐसे लेंथी था, थ्योरेटिकल ज़्यादा था नहीं था, बट मैं कंसेप्ट छोड़ के आया था, उसी से क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे छोड़ना पड़ा और गलत हो गया वो मेरा। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, उसमें पूरे लाने की कोशिश करूंगा और क्या। आज क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम था, एग्जाम खत्म हो चुका है, बच्चे एग्जाम दे के बाहर निकल रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हम बच्चों से आज के एग्जाम के रिव्यूज जानेंगे कि आज उनका एग्जाम किस तरह का हुआ। अमनदीप, एग्जाम कैसा हुआ? ठीक ठाक ही हुआ, मतलब मुश्किल था एग्जाम। मुश्किल लगा इस बार? हाँ इस बार मुश्किल था, पढ़ के तो आए थे बट थोड़े थोड़े उन्होंने घुमा फिरा के पूछा हुआ था और थ्योरेटिकल ज़्यादा था। क्या एग्जाम लेंथी था? नहीं लेंथी नहीं था, बट बस थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि थ्योरेटिकल में ज़्यादा करके नहीं आया था, डेफिनेशन वगैरह याद और ज़्यादा आई थी वो पर्पस वगैरह वर्किंग वगैरह। स्कोर लगभग कितना हो जाएगा? 30 तक हो जाना चाहिए, अब पता नहीं, देखते हैं। 25 to 30 होएगा। अगला पेपर कौन सा है? अगला है फिजिकल एजुकेशन, फिर मैथ्स। अच्छा तो अभी आप क्या पढ़ेंगे, फिजिकल एजुकेशन या मैथ? मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, उसमें पूरे लाने की कोशिश करूंगा और क्या। ओके थैंक यू, थैंक यू। आपका नाम? प्रेरक। एग्जाम कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। क्या एग्जाम लेंथी था? हाँ कह सकते हैं, ऐसे लेंथी था। एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन जो मुश्किल लगा हो? ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं था, बट मैं कंसेप्ट छोड़ के आया था, उसी से क्वेश्चन आ गया तो वो मुझे छोड़ना पड़ा और गलत हो गया वो मेरा। क्या आप बता सकते हैं कोई कंसेप्ट जो सा आप नहीं करके आए, वो कौन सा था? वो YDSC में जब हम एक रेक्टेंगुलर स्लैब रखते हैं, बीच में मैं वो कंसेप्ट छोड़ के आया था और वो मुझे फॉर्मूला याद नहीं था फ्रिंज विड्थ का, तो वो गलत हो गया। आपका स्कोर लगभग कितना? 30+। ओके ओके थैंक यू, वेलकम।